प्रताप गौशाला झोटिया में आयोजित हुआ शिक्षक सम्मान समारोह। कई शिक्षकों एवं सामाजिक लोगों का किया गया सम्मान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान। समाज की अग्रणी भूमिका पर बताई गई शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां तेउथर तहसील अंतर्गत झोटिया ग्राम पंचायत में संचालित श्री प्रताप गौशाला में 5 सितम्बर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर वरिष्ठ शिक्षकों एवं सामाजिक लोगों का किया गया सम्मान। सम्मान समारोह का आयोजन शिक्षक संघ एवं बिंद गौ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया। 5 सितंबर को जहां पूरे देश में शिक्षक दिवस के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो वहीं तेउथर की बिंद गौशाला समिति एवं शिक्षक संघ ने अतुलनीय पहल कर क्षेत्र के शिक्षकों एवं समाज सेवाओं को सम्मान रूपी भेंट स्वरूप करने का अनोखा पहल किया है। आपको बता दें कि इस आयोजन में क्षेत्र के कई वरिष्ठ शिक्षकों का साथ श्रीफल देकर सम्मान किया गया। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि एवं सम्मान के अन्य लोगों का भी सम्मान कर साथ श्रीफल भेंट किया गया। तो कहीं शिक्षक दिवस के साथ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्मोत्सव भी गाय को गुड़ और केला खिलाकर मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार राम लखन गुप्ता, बिंद गौ सेवा समिति के संचालक डॉक्टर रोहित तिवारी, शिक्षक संघ के श्याम बिहारी तिवारी, समाज सेवी राम प्रकाश मिश्रा, समिति के वरिष्ठ सदस्य विद्या सागर सुख, असलम खान रहे उपस्थित। स्वास्थ्य की कामना करते हैं और कितना उन्होंने अद्भुत कार्य किया है कि गौशाला के लिए अपनी जमीन दान दी उन्होंने, और कितना बड़ा पुण्य का कार्य किया कि श्री प्रताप गौशाला आज एक 30 बिस्तर का रूप लेने जा रही है। उनका आशीर्वाद है, उनके बेटों का सहयोग है, डॉक्टर रोहित तिवारी जी का पौरुष है, पराक्रम है, आप सबका सहयोग है, उनके साथ बहुत लोगों का आशीर्वाद है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर रोहित तिवारी को साधुवाद देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।